Hello and welcome once again to commerce made easier in today's lecture of accountancy class 12, we will continue the chapter retirement and death of the partner and in that we will discuss the death of a partner uh, topic and uh, in the partnership business sometime a partner may die due to sickness accident or some other reason so then the remaining partners reconstitute the firm and new agreement comes into force द डिक्रीज पार्टनर्स ड्यूज आर पेड टू हिज एग्जीक्यूटर और नॉमिनी इमिडिएटली और लेटर ऑन तो जब पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा होता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बाई चांस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से हो सकती है डेथ चाहे वो एक्सीडेंट के माध्यम से हो या कोई बीमारी की वजह से हो जाए या किसी और कारण से भी हो सकती है तो किसी भी कारण से जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं नए सिरे से दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म का होता है और वो आगे फ्यूचर में किस तरह से प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे किस तरह से उनके टर्म्स कंडीशंस होंगे तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं तो और जो डिक्रीज पार्टनर होता है उसकी तो उसकी जो एग्जीक्यूटर होता है या उसका नॉमिनी होता है तो जो उसका वारिस होता है जिसको भी उसने नॉमिनेट किया है कि मेरी डेथ के बाद जो है इसको व्यक्ति को पैसे मिले तो उसको जो है पेमेंट uh, कर दी जाती है डिक्रीज पार्टनर के अमाउंट की जो भी उसको वेबल होता है तो इस तरीके से डेथ के केस में हम जो है एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और रिटायरमेंट और डेथ जो होते हैं बेसिकली दोनों का अकाउंटिंग प्रोसीजर लगभग सेम होता है उसमें थोड़े से ही डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि रिटायरमेंट जो होते हैं बेसिक मोस्टली वो जो होता है ईयर एंड में होती है जब अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है तो वही पार्टनर रिटायर हो सकता है आराम से अब एक नोटिस दे करके और डेथ जो केस होता है वो कभी भी हो सकती है उसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है तो इसमें जो है हमें Uh, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं कितने टाइम तक वो हमारे साथ पार्टनर रहा फर्म में अप टू डेट ऑफ डेथ और उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं और रिटायरमेंट में मोस्टली पूरे साल की ही जो भी पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है या अकाउंटिंग ईयर होता है उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट्स करते हैं तो बेसिकली तो वो तो जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग वो सेम रहता है सिर्फ थोड़े से ही डिफ्रेंसेज हैं uh, रिटायरमेंट का हम जो है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में और अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है यहाँ पर डेथ के केस में हम अब डिस्कस करेंगे तो अगर आपने रिटायरमेंट uh, का आपको जो है क्लियर समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रोसीजर तो आपको इजीली जो है डेथ का भी समझ में आ जाएगा और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखें जिससे कि आपको uh, ये प्रोसेस जो है रिटायरमेंट uh, का वो क्लियर हो जाए और आपको डेथ में भी इसकी हेल्प मिल सके तो अकाउंटिंग प्रोसीजर विच इज फॉलोड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम एज इन द रिटायरमेंट तो जैसे रिटायरमेंट में हमने केसेस देखे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं अब वो न्यू रेशियो उनकी क्या होगी आफ्टर द डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वही सेम हम यहाँ पर प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं फॉर कैल्कुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशियो उसके बाद जब हम न्यू प्रॉफिट शेरिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड स्टेप इज कैलकुलेन ऑफ द गेनिंग रेशो तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन करते हैं पार्टनर है का हिस्सा भी पार्टनर्स को मिल जाता है तो किस रेशो में किस पार्टनर ने गेन किया है ये भी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है सेम होता है जैसे हमने रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट की थी सेम प्रोसेस से हम इसमें भी डेथ uh, केस में भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करेंगे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू गुडविल तो जो न्यू गुडविल है न्यू फर्म की जिस समय डेथ हुई है उस समय क्या है उसका वैल्युएशन हम करेंगे गुडविल का उसके लिए भी तीनों मैथड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मैथड है एवरेज प्रॉफिट मैथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट है इट डिपेंड्स ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन किस तरह की इनफॉमेशन है हमें कौन सा मेथड यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने किया है नई फॉर्म की गुडविल हमने फाइंड आउट की है उसमें हम जो डिक्रीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है उसका हिस्सा कितना बनता था वो हम इसमें देंगे और उसके बाद जो है इसमें जनरल एंट्री हम सेम वैसे ही बनाएंगे तो जैसे हमने रिटायरमेंट में बनाई थी गेनिंग रेशो में जो है पार्टनर डिक्रीज पार्टनर जो है जिसकी डेथ हो गई है उसको जो है

एक बड़ा ही कॉमन अकाउंट है जो सभी जो है के केसेस में हम बनाते हैं जैसे कि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी रिवैल्यूशन बनाते हैं जैसे हम एडमिशन में भी रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जैसे हम रिटायरमेंट में भी करते हैं सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है कोई भी चेंज नहीं है रीवैल्युएशन अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं जैसे एसेट्स जिनकी वैल्यू डिक्रीज होती है डेबिट साइड जिनकी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड और जो लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है डेबिट साइड जो वैल्यूज डिक्रीज होती है लाइबिलिटीज की वो क्रेडिट साइड और इस तरीके से जो भी रिवैल्युएशन से होने वाला प्रॉफिट या लॉस है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा इंक्लूडिंग द डिक्रीज पार्टनर जैसे रिटायरमेंट के केस में था जिस जो रिटायर हो रहा है उसको भी शेयर मिलेगा रिवैल्युएशन में सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा इसी केस में डेथ केस में भी हम डिक्रीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को रीवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट है उससे क्रेडिट करेंगे तो ये चारों केसेस यहाँ तक सेम है उसके बाद है फिफ्थ केस दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ये भी आपका सेम है जैसा कि हम रिटायरमेंट में करते हैं तो पुराने रिजर्व्स पुराने प्रॉफिट्स उस समय के हैं जब वो पार्टनर जिंदा था और उसमें भी उसका हाँ उतना ही बनता है जितना के बाकी पार्टनर्स का बनता है तो उसको जो है हम पूरा पेमेंट जो है उसके हिस्से का करेंगे रिजर्व्स में उसको भी शेयर दिया जाएगा तो ओल्ड रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड तो इंक्लूडिंग द दीज पार्टनर तो डिक्रीज पार्टनर जो डेथ हो गई है उसको भी इसमें हिस्सा दिया जाएगा तो ये पांच पॉइंट्स जो है यहाँ तक बिल्कुल सेम है जैसे रिटायरमेंट में होते हैं इसमें कोई चेंज नहीं है तो अगर आपको रिवैल्युएशन अकाउंट अपने नहीं आता है या आपको ओल्ड रिजर्व्स के बारे में नॉलेज नहीं है किस तरह से रिटायरमेंट में था तो आप पहले उसके वीडियोस देख सकते हैं रिटायरमेंट के केसेस में हमने किस तरह से ओल्ड uh, रिजर्वस का ट्रीटमेंट किया था क्या जनरल एंट्रीज पास की थी न्यू गुडविल कैसे कैलकुलेट की थी किस तरह से पार्टनर्स के अकाउंट में जो है किस तरह से पेमेंट की गई थी गेनिंग रेशो में तो वो वीडियोज से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से सेम वही केस हम डेथ के केस में भी फॉलो करेंगे वही प्रोसेस है कोई भी चेंज नहीं होगा देन

जो देना है या लॉस भी हो सकता है तो उसमें हम उसको हिस्सा देते हैं जो भी उसका बनता है फुल ईयर के लिए लेकिन डेथ के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि डेथ जो है कभी भी होने वाला एक इंसिडेंट है कभी भी किसी की डेथ हो सकती है पार्टनर की तो हो सकता है वो चार महीने बाद ही हो जाए जब अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हुआ है या उसके चार दिन बाद ही हो जाए या छह महीने बाद हो जाए या किसी भी समय डेथ हो सकती है तो जितने समय तक वो जिंदा रहा हमारे साथ उसने बिजनेस में जो है बिजनेस किया चलाया उसे तब तक जो भी उसने उसकी भी मेहनत उसमें मानी जाती है तो उसमें जो भी उसने कमाया है हमारे साथ मिल करके उसमें उसको हिस्सा उसका बनता है तो यानी कि शेयर इन प्रॉफिट जो है हम मान के चलते हैं चार छः महीने जब तक भी वो हमारे साथ रहा हमारा बिजनेस तो चल रहा था और हमारी सेल्स भी हो रही थी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी उस समय तक हुआ ही होगा तो उसकी डेथ के टाइम तक जब तक वो हम जिंदा था तब तक का प्रॉफिट जो है हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेटेड जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और डिक्रीज पार्टनर को हम वो शेयर यानी हिस्सा प्रॉफिट में भी देते हैं तो ये एक नई चीज है जो रिटायरमेंट में नहीं होती है रिटायरमेंट एंड में होती है और यहाँ पर बीच में ही हम क्योंकि हम जो है पेमेंट पार्टनर के जो एग्जीक्यूटर होता है उसको इमिडिएटली कर देते हैं क्योंकि अब पार्टनर तो रहा नहीं तो उसका जो भी नॉमिनी होगा हम उसको सारी पेमेंट सारा हिसाब किताब उसका उसी समय कर देते हैं जब डेथ हुई है राइट तो यहाँ पर जो है हम शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ निकालते हैं और पार्टनर को देते हैं तो ये किस तरीके से निकालते हैं हम आगे इसमें सीखेंगे इसको देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को बनाना तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इसमें जो है डिक्रीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट भी बनता है और सारा जो भी उसको लेन देन होता है डेबिट क्रेडिट अमाउंट करके सारी जो उसकी क्लोजिंग कैपिटल होती है वो निकालते हैं और उसको फाइनली जो है हम ट्रांसफर करते हैं एग्जीक्यूटर के अकाउंट में और एग्जीक्यूटर के अकाउंट से जो है फाइनल पेमेंट कर दी जाती है Uh, उसको एग्जीक्यूटर को तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं लेकिन कैपिटल अकाउंट जो है डेथ केस में भी हमें जो पार्टनर है डिक्रीज पार्टनर उसका बनाना ही होता है उसके अलावा जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी आगे फ्यूचर में कैपिटल क्या होगी किस रेशो में वो है जो अपनी कैपिटल को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं उसको वो एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है तो अगर कोई चेंजेस वो अपने कैपिटल अकाउंट्स में करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं सेम प्रोसेस है जैसे कि रिटायरमेंट में था तो उस तरीके से हम इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं उसके बाद है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म तो रिटायर डिक्रीज पार्टनर के जाने के बाद या उसकी डेथ के बाद जो भी उसका पेमेंट्स है हम करने के बाद जो है हम अब जो रिवेल्यूएशन किया था हमने एसेट लाइबिलिटीज़ का या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं तो सब कुछ करने के बाद अब फाइनल जो हमारी बैलेंस शीट है न्यू फर्म की वो क्या है वो हम बनाते हैं तो सेम प्रोसेस है जैसे हमने एडमिशन में भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी नई बैलेंस शीट बनाई थी सभी एडजस्टमेंट्स के बाद जिसमें रीवैल्यू की जो की गई एसेट लाइबिलिटीज हैं जो उनकी न्यू वैल्यूज हैं मार्केट वैल्यूज उनको हम यहाँ पर शो करते हैं नई बैलेंस शीट में नई कैपिटल शो करते हैं पार्टनर्स की तो सब कुछ नया होता है डिफरेंट जो भी चेंजेस हुए हैं उस दौरान उनको हम विथ चेंजेस जो है इसमें बैलेंस शीट में, में नए अमाउंट्स को शो करते हैं तो इस तरीके से ये पूरा जो है अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो होता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर और ये लगभग सेम है जैसा रिटायरमेंट में होता है तो अकाउंट्स जो है पार्टनरशिप के लगभग सेम है चाहे वो कोई भी केस हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है 19 20 का डिफरेंस होता है तो वो छोटे छोटे डिफरेंसेस पे बस हमें फोकस रखना है कि क्या चेंजेस उसमें आए हैं ऑल राइट तो अकाउंटिंग प्रोसेस को समझने के बाद हम देखते हैं कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है डिक्रीज पार्टनर वो कैसे बनाया जाता है तो प्रिपरेशन ऑफ डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं और ये तभी बन जाता है जब हम जो है उसकी डेथ होती है यानी कि हम ईयर एंड का इंतजार नहीं करते हैं कि साल खत्म होगा काउंटिंग ईयर हमारा कंप्लीट होगा तब हम उसको पेमेंट करेंगे तो इमिडिएटली जो है उसका हिसाब किताब कर दिया जाता है जब उसकी डेथ होती है तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एंड द फॉलोइंग आइटम्स आर क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट तो उसके अकाउंट में कौन सी आइटम्स हैं जिनको हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं क्रेडिट करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैपिटल तो उसके जो पार्टनर की कैपिटल है उस समय जो शो हो रही है हमारी बैलेंस शीट में वो हम जो है कैपिटल उसकी यहाँ पर दिखाते हैं उसके बाद ये ये कैपिटल जो है वो फिक्स भी हो सकती है फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो फिक्स भी हो सकते हैं फ्लक्चुएटिंग भी हो सकते हैं तो जैसे भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है बनाएंगे कैपिटल अकाउंट हो सकता है सेम में ही हमें सारी एंट्रीज करनी हो क्रेडिट तो हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि उसका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है और सारे आइटम्स जो है हम उसमें ही कैपिटल अकाउंट में ही शो कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें पूरा अकाउंट कैपिटल में ही शो किया है एडजस्टमेंट्स को तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमने ले लिया सबसे पहले फिर यदि उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आ, दिया जाना है पार्टनर को कैपिटल के ऊपर तो टिल द डेट ऑफ हिज डेथ तो इसमें हम जब तक वो जीवित रहा है पार्टनर तब तक की उसकी जो इंटरेस्ट कितना बनता है कैपिटल पर वो आपका पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही होगा कैपिटल पर तो अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है तो उसको ये इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा तो वो रूल सेम ही रहेंगे चाहे पार्टनर जीवित था या नहीं था तो अकाउंटिंग जो हमारे ये रूल्स हैं जो पार्टनरशिप के वो सेम रहेंगे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे तो अगर डीड में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया गया है उसके हिसाब से हम जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे टिल द डेट ऑफ हिज डेथ तो जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो जब तक वो हमारे साथ था तब तक हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे देन थर्ड इज सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ तो जब तक अगर मान लीजिए पार्टनर कोई सैलरी ले रहा था फर्म से तो उसको जो है सैलरी दो महीने तीन महीने जब तक भी वो हमारे साथ था तब तक के जो है हम सैलरी काउंट करके उसको सैलरी भी देंगे और यदि कोई कमीशन भी उसको दी जानी थी तो वो भी कमीशन जो है हम उसको पे करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे देन शेयर ऑफ गुडविल न्यू गुडविल जो हमने कैलकुलेट की थी फर्म की पार्टनरशिप फर्म की उसमें जो है गेनिंग रेशो में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं डिक्रीज पार्टनर को Uh, जो है गुडविल का शेयर देंगे जो उसका हिस्सा बनता है गुडविल में वो गेनिंग रेशो में रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा उसको दिया जाएगा तो ये जो है कैलकुलेशन हम इसमें करते हैं और क्रेडिट साइड उसकी जो है वो गुडविल नए वाली गुडविल जो है वो उसमें शो होगी देन फिफ्थ पॉइंट इज शेयर इन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ तो जो हमने अभी पहले भी उसको किया था क्योंकि एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसलिए क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता जब तक अकाउंटिंग क्लोज नहीं हो जाता जब तक हम पूरी एक्सपेंसिस का हिसाब नहीं लगा लेते सारे इनकम्स को काउंट नहीं कर लेते हैं तब तक एग्जैक्टली exactly क्या हमें नेट प्रॉफिट होगा ये हमें पता नहीं चलता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि एक एस्टिमेट जो है हम अंदाजे से हम एक प्रॉफिट जो है वो किसी दो मेथड्स हैं हमारे पास उनसे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इस इस हिसाब इस से ही जो है हमें प्रॉफिट होगा तो उसके हिसाब से एस्टिमेटेड जो है अमाउंट हम प्रॉफिट की कैलकुलेट करते हैं और उसमें जो पार्टनर डिक्रीज है उसका कितना हिस्सा बनता है टिल द डेट ऑफ इज डेथ वो हम जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद सिक्स पॉइंट जो होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिल्टीज तो रिवैल्यूशन अकाउंट जो हमने बनाया था या एसेट लाइबिलिटीज का रिवैल्यूशन किया था उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस जो है बेसिकली यहाँ पर हम क्रेडिट कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट जो है उसमें जो शेयर है डिक्रीज पार्टनर का वहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा तो ये सारे आइटम्स हैं जो क्रेडिट में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं और उसके हिसाब से हम सारे आइटम्स को यहाँ पर इसके अलावा भी यदि कोई अमाउंट जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाना है वो हम इसमें क्रेडिट कर देते हैं उसके बाद आइटम्स टू बी डेप्टेड टू द डिक्रीज पार्टनर कैपिटल काउंट तो पार्टनर का जो कैपिटल है का, उसके कैपिटल काउंट में कौन से वो आइटम्स हैं जिसे हम डेबिट साइड लिखते हैं तो डेबिट किए जाते हैं तो शेयर ऑफ ओल्ड गुडविल तो मान लीजिए आपकी बुक्स में जब उसकी डेथ हुई है तो हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें ऑलरेडी एक ओल्ड गुडविल शो हो रही है तो उसको जो है हम राइट ऑफ करेंगे तो उसमें जो पार्टनर का हिस्सा बनता है डिक्रीज पार्टनर का वो हम उसमें उसको उसके शेयर से डेबिट कर दिया जाएगा देन लॉस ऑन रिवैल्युएशन ऑफ एसटिलिटीज तो अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे रिवैल्युएशन से अगर लॉस है तो हम उसे रिवैल्युएशन में उसका हिस्सा जो बनता है उसको हम जो लॉस है उसका अमाउंट हम उसके डेबिट साइड शो करेंगे कैपिटल अकाउंट में उसके अलावा एनी अदर एक्सपेंसिज और लॉस एनी अदर एक्सपेंसिस में जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसिज हो सकते हैं कोई और एक्सपेंसिज हो सकते हैं तो जो कि तब तक राइट ऑफ नहीं हो पाए थे जब तक पार्टनर था तो अब जो है रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो इन एक्सपेंसेस को या लॉसेस को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट कर देंगे राइट right? उसके बाद फोर्थ जो है दैट इज एडवांस और लोन टेकन बाय द डिक्रीज पार्टनर विद इंटरेस्ट तो मान लीजिए पार्टनर ने कोई फर्म से लोन लिया हुआ था तो वो लोन जो है उसको अमाउंट को जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल से यानी कि हम उसकी कैपिटल में से जो लोन का पैसा है वो हम काटेंगे मान लीजिए पार्टनर की कैपिटल है वन लाख रुपीज़ और उसके पास जो उसने लोन लिया था थर्टी थाउजेंड का लिया था और उस पर जो है आ, विद इंटरेस्ट वो थर्टी थाउजेंड है तो हम उसको कैपिटल अकाउंट जो है लोन अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसकी कैपिटल में से वो लोन जो है वो काट लेंगे तो यानी कि एक लाख में से थर्टी थाउजेंड जो उसकी आ, लोन करते हैं तो इसी तरह से जैसे पार्टनर्स ने हम पार्टनर ने हमसे लोन लिया हुआ हो सकता है ऐसा हो सकता है कि पार्टनर से फर्म ने लोन लिया हो या कोई एडवांस लिया हो पार्टनर भी फर्म को लोन या एडवांस दे सकता है तो अगर हमें उसको कोई लोन देना है उसका पैसा देना है तो हम उसके लोन अकाउंट को इसमें क्रेडिट साइड भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे कि हम उसका फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग लोन अमाउंट जो है वो पे करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसके बाद बैलेंस ऑफ अमाउंट पेबल टू डिक्रीज पार्टनर उसके बाद जो है क्रेडिट साइड का टोटल करके और डेबिट साइड के आइटम्स का टोटल करके जो डिफरेंस है दैट विल बी द क्लोजिंग कैपिटल या अमाउंट पेबल टू द डिक्रीज पार्टनर एग्जीक्यूटर तो जो उसके एग्जीक्यूटर Uh, को जो अमाउंट हमें देना है उसका हम टोटल निकाल लेंगे कितना पैसा उसको देना है और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में तो उसके जो डेबिट साइड होगा जैसे हम नॉर्मल रिटायरमेंट में लिखते थे यहाँ पर हमने पूरी क्रेडिट साइड हमने लिख लिया सारा जो आइटम्स हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने हैं और जो आइटम्स डेबिट करने हैं वो हमने यहाँ लिख दिए और क्रेडिट माइनस डेबिट जो भी डिफरेंस आ रहा था वो अमाउंट हमने पार्टनर को पे कर दिया तो टू कैश कर दिया हमने या टू बैंक कर दिया या अगर हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है तो टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट कर दिया लेकिन यहाँ पर डेथ के केस में हम क्या कर रहे हैं उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके एग्जीक्यूटर का एक अकाउंट खोला जाएगा और जो ये डिक्रीज पार्टनर है उसका ये सारा अमाउंट जो पेबल है वो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू जैसे ए है यानी ए की डेथ हुई है तो ए एग्जीक्यूटर डेथ ए एग्जीक्यूटर अकाउंट में लिखेंगे और वो सारा अमाउंट जो है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दी जाएगी तो डेबिट साइड उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में टू बैंक या टू कैश जैसा भी होगा हम उसमें एंट्री बनाएंगे तो इस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर तो हमने पार्टनर के कैपिटल uh, अकाउंट की हमने यहाँ बात की जिसमें हमने डिक्रीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है वो हमने बनाया तो यहाँ पर सिर्फ डिक्रीज पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है बाकी पार्टनर्स का नहीं बनाना है क्योंकि हम सिर्फ उसी के हिसाब किताब को कर रहे हैं बाकी पार्टनर्स एज इट इज बिजनेस में बने हुए हैं बिजनेस को चला रहे हैं और उनके कैपिटल अकाउंट जो है साल के एंड में ही बनाए जाएंगे जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा सो so, आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और अगले हम न्यूमेरिकल जो है सेशन में या वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम जो है कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स का शेयर इन द प्रॉफिट तो आज के लिए इतना ही डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू